गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान तिलक स्कूल, योर SST टीचर, स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड. आर सेकेंड चैप्टर इज अबाउट फूड. ओके, फूड. फूड आइटम के बारे में आप सब जानते हैं. रीड द नेम्स ऑफ द फूड गिवन बिलो, टिक एनी फॉर दैट यू लाइक टू ईट. इन सब फूड आइटम लिखे हैं. यू लाइक टू ईट एनी फॉर आइटम, टिक दैट. वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. एवरी वन नोज वी नीड फूड. ओके, वाई वी नीड फूड? वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. जिंदा रहने के लिए और बड़ा होने के लिए हमें खाने की ज़रूरत रहती है. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले एंड वर्क प्ले एंड स्टडी. हमको फूड की ज़रूरत रहती है, एनर्जी एनर्जी, ताकि हमें ताकत क्षमता बनी रहे किस किस चीज़ की, काम करने की, खेलने की और पढ़ने की. इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. और हमें स्वस्थ रखने के लिए भी खाने की ज़रूरत रहती है. वो भोजन हमारी फूड मदद करता है. सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज मीन्स स्रोत, हम लोग को फूड कहाँ कहाँ से मिलता है. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम लोग को खाना कहाँ कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है और एनिमल के द्वारा मिलता है. वी गेट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, नट्स, ग्रीन्स एंड सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स. एवरी वन नोज वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, नट्स, ग्रीन्स, सीरियल्स हम सबको कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से. एनिमल गिव्स अस मीट, एग एंड मिल्क. एनिमल के थ्रू हमको क्या क्या मिलता है? मीट मिलता है, एग मिलता है और मिल्क मिलता है. राइट पी अगेंस्ट द फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट एंड ए अगेंस्ट द फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. कुछ फूड आइटम्स बने हुए हैं हम लोग को जो एनिमल्स से मिलते हैं उसके आगे हम लोग ए लिखेंगे, और जो प्लांट से मिलता है उसके लिए पी लिखेंगे. टाइप्स ऑफ फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड. बिल्डिंग मतलब बनाते हैं बॉडी, हमारी बॉडी को बनाने वाले फूड आइटम्स. लेट्स सी, फूड दैट बिल्ड आर बॉडी एंड हेल्प अस टू ग्रो इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. फूड जो हमारे बॉडी को बनाते हैं, हमारी बॉडी को बड़ा करते हैं, हेल्प अस टू ग्रो और हमें बड़ा होने में मदद करते हैं, इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. एग, मिल्क, फिश, चीज़, कर्ड एंड मीट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड. एग, मिल्क, ये सब सोर्स हैं किस चीज़ के? बॉडी बिल्डिंग फूड के. एनर्जी गिविंग फूड, सम फूड गिव्स अस एनर्जी. एनर्जी मीन्स ताकत. वी नीड टू स्टडी, प्ले एंड वर्क. कुछ खाने में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमको ज़रूरत रहती है किस किस चीज़ के लिए, ताकि हमारे शरीर में एनर्जी मीन्स ताकत बनी रहे, पढ़ने की, खेलने की एंड वर्क टू मतलब काम करने की. दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड बेटा, फूड दैट कीप अस फ्रॉम फॉलिंग सिक एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. खाने के कुछ आइटम जो हमें बीमार होने से बचाए रखते हैं और हमें हेल्दी मीन्स स्वस्थ बनाए रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन. प्रोटेक्टिव मीन्स हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. प्रोटेक्शन मतलब हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि हमें बाहर से बीमारी टच ना करें, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं. मील्स ऑफ द डे, मील्स भोजन के अंतराल, मील्स जो हम जिस समय पे खाना खाते हैं. वी ईट थ्री मील्स इन अ डे. तीन समय के खाने को हम लोग, हमें दिन में तीन बार खाने की ज़रूरत होती है. सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. हम लोग मॉर्निंग में जो खाना खाते हैं उसको हम लोग
ब्रेकफास्ट कहते हैं। वी यूजुअली हैव ब्रेड एग्स मिल्क फ्रूट्स जूस इडली और स्टफ पटाटास पराठास इन फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत रहती है? ब्रेड एग मिल्क फ्रूट जूस इडली और स्टफ पराठा, ये सब हम लोग नाश्ते में करते हैं। लंच, वी ईट लंच इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में हम लोग क्या करते हैं? आफ्टरनून वाले मील को क्या कहते हैं? लंच। वी हैव राइस चपातीस दाल एंड वेजिटेबल फॉर लंच। लंच के लिए हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। द लास्ट मील ऑफ द डे इज़ डिनर, जो रात के और आखिरी खाने को हम लोग डिनर कहते हैं। वी हैव राइस और चपातीज दाल फिश और मीट एंड वेजिटेबल्स फॉर डिनर। रात के डिनर में हम ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं। लुक, हाय आई एम मान्या, आई हैव ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एट द राइट टाइम एवरी डे। इट हेल्प्स मी टू स्टे हेल्दी। ये मान्या गर्ल खड़ी है, वो बोल रही है मैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर एकदम प्रॉपर टाइम पे करती हूँ। इट हेल्प्स मी टू स्टे हेल्दी। तो इसकी वजह से ये मुझे मदद करता है ताकि मैं स्टे हेल्दी स्वस्थ बनी रहूँ। बैलेंस डाइट, आर बॉडी नीड्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। हमारी बॉडी को उस सभी तरीके के भोजन की ज़रूरत रहती है जो हमें फिट फिट रख सके और हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ स्वस्थ और स्थायी रूप से रख सके। वी शुड ईट अ लिटिल ऑफ ऑल फूड आइटम्स। जितने भी फूड आइटम्स हैं उन सबको हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूर खाना चाहिए। अ बैलेंस डाइट गिव्स आर बॉडी ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मतलब जितने भी ताकत की चीज़ों की ज़रूरत होती है उस सबको स्वस्थ रहने के लिए, वो उसकी पूर्ति कौन करता है? बैलेंस डाइट। सम फूड कैन बी ईटन रॉ, कुछ को हम कच्चा खाते हैं। सम नीड टू बी कुक, और कुछ को पकाने की ज़रूरत होती है। बिफोर दे आर ईटन, खाने से पहले उनको पकाने की आवश्यकता होती है। सैलेड फ्रूट्स एंड नट्स कैन बी ईटन रॉ। सैलेड में आपका रेडिश कैरेट और फ्रूट्स हैं, और सैलेड में कई आइटम्स आ जाते हैं, तो उन सबको हम लोग और नट्स को हम लोग ईट एंड रॉ एज इट इज़ खा सकते हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं, घर ला के आप उसको वॉश करके खा सकते हैं। फिश मीट पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर कुक्ड बिफोर दे आर ईटन। जो फ्रूट्स और फिश मीट पल्सेस और वेजिटेबल्स सब्जियां जितनी भी हैं इन सब को हमें पकाने की ज़रूरत रहती है खाने से, बिफोर दे आर ईटन, उनको खाने से पहले। दे आर सम फूड्स विच कैन बी ईटन रॉ एंड कुक, सच एज कैरेट टर्निप टोमेटो रेडिश एंड अनियन। कुछ को हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं, सच एज टर्निप, वो सब आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, वी ऑल लाइक टू ईट डिफरेंट फूड आइटम्स। हम सबको तरह तरह के भोजन की ज़रूरत रहती है। पीपल हु ईट फिश एग लाइक, मतलब हम सब लोग ज़रूरी नहीं है कि तरीके का भोजन करें, किसी को कुछ पसंद रहता है और किसी को कुछ पसंद रहता है। पीपल हु ईट फिश एग्स एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। वो लोग जो फिश खाते हैं, एग और मीट को खाते हैं, उनको हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। सम पीपल डू नॉट ईट फिश मीट एंड एग, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो इन सबको नहीं खाते हैं, फिश मीट को, उन सबको हम वेजिटेरियन कहते हैं। देयर आर सम फूड विच इफ ईटन वेरी ऑफन मे मेक अस सिक। कुछ खाने के आइटम जिन्हें हम बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली खाएंगे वो हम सबको बीमार कर सकते हैं। दे कंटेन लॉट्स ऑफ ऑयल शुगर एंड सॉल्ट। उन सब में क्या रहता है? ढेर सारा तेल, शुगर एंड सॉल्ट, शुगर चीनी सॉल्ट नमक। दे आर कॉल्ड जंक फूड, उन सबको हम क्या कहते हैं? जंक फूड। फ्राइज पिज़्ज़ास बर्गर चॉकलेट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड। ये जितने भी फूड
फूड आइटम दिए हैं, सब एग्जांपल किसके हैं आपके जंक फूड के। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स गिवन बिलो आर सम ईटिंग हैबिट्स विच वी शुड फॉलो टू स्टे हेल्दी। ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमेशा हमें ताज़ा खाना चाहिए। नीचे ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम लोग हेल्दी स्वस्थ बने रहते हैं। ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमेशा ताज़ा खाना खाइए। च्यू योर फूड वेल, खाना जो है उसे चबा चबा के खाएं। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड, खाने का एक भी दाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, आफ्टर और बिफोर ईटिंग वी शुड वॉश आर हैंड्स। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग डैम, खाने जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इन सब को मार्केट से जब आते हैं तभी भी आप खान रख देते हैं वॉश करके, लेकिन फिर भी खाने से पहले भी आप इसको वॉश करना चाहिए। नेवर स्किप मील, कोई भी अपने भोजन को स्किप नहीं करना चाहिए। भोजन मतलब संपूर्ण आहार जो रहता है, मतलब आप ना ब्रेकफास्ट आपको स्किप करना चाहिए, नो लंच नो डिनर। ऑलवेज ईट योर मील ऑन द टाइम, अपने खाने को सही समय पर खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड ऑफन, बहुत जल्दी जल्दी जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, अक्सर नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, थोड़ा सा पानी हमें रोज ज़रूर पीना चाहिए, समय समय पर बच्चों पानी को ज़रूर पीना चाहिए। लुक एट द गिवन फूड आइटम, ड्रॉ लाइन फ्रॉम द सर्कल टू दूस दैट वी That are healthy। इसमें से उन फूड आइटम्स को हमको टिक करना है जो हमें हेल्दी बनाए रखते हैं। Use the picture to answer the question। What do you see in the picture? It is milk, a glass of milk, jug of milk। What, which kind of food is it? Is it a complete food, nutritive food? एक तरीके से इसको संपूर्ण आहार कहा जाता है, बिकॉज ऑल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं। रिकैप ऑफ द लेसन, ओके, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। वी ईट थ्री मील्स इन अ डे, हमें तीन बार भोजन खाना चाहिए, तीन समय खाना खाने, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी, हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस डाइट खानी चाहिए। सम फूड कैन बी ईटन रॉ एंड सम कैन बी कुक्ड बिफोर दे आर ईटन, कुछ को हम एज इट इज़ खा लेते हैं मार्केट से लाके वॉश करके विदाउट कुकिंग, एंड सम नीड टू बी कुक। सर्कल द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसको हम लोग सर्कल करेंगे। इधर मैंने इधर टिक कर दिया, आप सर्कल भी कर सकते हैं। द लास्ट मील ऑफ अ डे इज लंच, नो इट इज डिनर, टिक योर आंसर इन डिनर और यू कैन सर्कल इट। पीपल हु डू नॉट ईट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन, येस इट इज़ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। पोटैटो कुकुम्बर कैन बी ईटन रॉ, कुकुम्बर को टिक करेंगे, पोटैटो को आप रॉ नहीं खा सकते, इट नीड टू बी कुक। वी गेट फ्रूट्स मीट फ्रॉम एनिमल, मीट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। वी द मील दैट वी हैव इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट, नो इट इज लंच। टिक द फूड आइटम दैट आर बिल्ड आर बॉडी हेल्प अस ग्रो, मिल्क टिक, बर्गर नो, नट्स टिक, फिश टिक, चिप्स नो, फ्राइज इट इज नो, एग टिक, आइसक्रीम नो, एंड लास्ट इज योर मीट टिक। Now children, open your CW copy of SST, write the heading chapter 2, name of the lesson food, first of all write all the hard words that
दैट इज गिवन. डिफाइन द टर्म. राइट क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. योर वर्क शुड बी डन इन नीट इन वेरी गुड हैंड राइटिंग. योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन. ओके, गुड डे चिल्ड्रन.